तो दोस्तों, तुर्की को भारत से पंगा लेना बहुत भारी पड़ चुका है और तुर्की को अब लेने के देने पड़ गए हैं। दरअसल आज से एक से दो दिन पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि अमेरिका ने भारत को कार्टसा सैंक्शन के तहत S-400 की डील पर प्रतिबंधों में छूट दे दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को लेकर एक नया कानून बनाया है, क्योंकि चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत ही अमेरिका का एक सबसे बड़ा और मजबूत साथी होगा और चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत को अमेरिका की मदद चाहिए, साथ में अमेरिका को भारत की मदद चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखकर अमेरिका ने अपने नियम तक को बदल दिया। पर आप सभी तो जानते हो कि तुर्की अपने आप को समझता है खलीफा और तुर्की ने अमेरिका से अनाप शनाप सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए। दरअसल तुर्की का अमेरिका से सवाल था कि जब हमने S-400 की डील की थी रूस के साथ, तो आपने हमारे ऊपर कार्टसा सैंक्शन के तहत कठोर से कठोर प्रतिबंध लगा दिए और हमने जो S-400 खरीदा है उसको तो हमने यूज भी नहीं किया, परंतु फिर भी यह जो हमने काम किया है उसके लिए आपने हमें सजा दी। पर जब बारी आई भारत की, तो आपने भारत के लिए अपने नियम और कानून तक बदल दिए और भारत अभी भी S-400 को खरीद रहा है और अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बजाय भारत के लिए अपने प्रतिबंधों में छूट ही देता जा रहा है। और बस इसी सवाल को सुनकर अमेरिका का माथा ठनका और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि अमेरिका ने पहले तुर्की को F-35 देने से इनकार कर दिया था, परंतु अब अमेरिका ने इस बात पर भी रोक लगा दी है कि तुर्की जब तक रूस के द्वारा दिए गए हथियारों को नहीं छोड़ेगा, तब तक F-35 तो छोड़ो, F-16 नाम का जो फाइटर जेट है जो तुर्की की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसको भी अमेरिका ने तुर्की को देने से इनकार कर दिया है। और साफ साफ अमेरिका ने कहा है कि सबसे पहले रूस के द्वारा दिए गए हथियारों को अपने देश से बाहर निकालो, उसी के बाद में हम आपकी वायुसेना के लिए F-16 और दूसरे किसी फाइटर जेट को देने के बारे में विचार करेंगे। और बस इसी प्रकार से अमेरिका ने तुर्की को जबरदस्त तरीके से घसीट घसीट कर धोया है और तुर्की के ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं। और एक प्रकार से तुर्की जो भारत की बराबरी करने चला था, अब भारत के समक्ष मुंह के बल गिरा है। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या आपको लगता है कि क्या कभी तुर्की हमारी बराबरी कर पाएगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।